दुआ तकदीर को बदल सकती है। बहुत आसान टॉपिक है, आप लोग सिंपल टॉपिक याद करो। देखो ये इजी इजी टॉपिक है। क्या होता है तकदीर? दो टाइप की तकदीर है, एक है तकदीर मुअल्लक जिसे हैंगिंग तकदीर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा मां के पेट में होता है तो उसका रिस्क लिखा जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि लैलतुल कद्र के रात में आने वाले साल के सारे फैसले नाजिल होते हैं। आपको पता है लैलतुल कद्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हदीसें हैं उस बारे में, तो आने वाले साल के फैसले नाजिल होते हैं। तो ये जो है ये कौन सी तकदीर है? ये हैंगिंग तकदीर है। और एक तकदीर वो है जो लोहे महफूज में है, जो कंफर्म्ड फिक्स तकदीर है। दोनों में फर्क क्या है? देखिए हम जो दुआ पढ़ते हैं उसके ना क्या है, जो कुनूत पढ़ते हैं उसके ना क्या है, वकीना शर मा कदईत, ऐ अल्लाह जो तूने शर हमारे लिए मुकदर किया है उस शर से हमें बचा दे जो तकदीर में है। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस में कई एविडेंसेस है कि ये जो तकदीर है तकदीर मौला की बदलती है, लेकिन वो तकदीर जो लोहे महफूज में वो नहीं बदलती। अच्छा अभी यहां पर क्या है, मिसाल के तौर पर कोई चीज जो नहीं हुई वो भी होती तो क्या होता? जो नहीं हुई वो अगर होती तो क्या होता? एक आदमी एक मोड़ पर आकर उसने गुनाह का रास्ता ले लिया, अगर नहीं लेता तो क्या होता? वो मोड़ पर आके उसने दुआ कर लिया अल्लाह से, अगर वो दुआ नहीं करता तो क्या होता? तो अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, अल्लाह ताला का इल्म इतना परफेक्ट है कि जो नहीं हुआ वो भी होता तो क्या होता? अल्लाह के इल्म में वो है। तो यहां जो है ये जो तकदीर मौलक है ये आने वाले साल में क्या होने वाला है, रिस्क कितना मिलने वाला है, वो रिस्क बढ़ सकता है। आपको कई हदीसें मिलेगी इस मिसाल के तौर पर, दुआ से चेंज होती है। उसी तरह से बुखारी की हदीस है, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी मालिही व उम्रिही, जो पसंद करता है कि उसके माल में इजाफा हो। तुम में से कोई अगर पसंद कर रहा है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि माल बढ़े, अगर तुम्हें मन अहब्बा युबसत लहू फी मालिही व उम्रिही, अगर तुम्हें पसंद है कि माल बढ़ जाए या उम्र बढ़ जाए, फल यसिल रहीमहू, उसे चाहिए कि रिश्तेदारी अच्छी रखे। सही बुखारी की हदीस है। सुन लो मेरे भाइयों, आप में से जो लोगों को अच्छा लगता है कि आपकी जितनी भी रिस्क मिलना है आने वाले साल में या आपका माल जो आना है आपके पास वो बढ़ जाए, तो रिश्तेदारी अच्छी रखो। अब एक आदमी है उसको आने वाले साल में 1 लाख का रिस्क मिलने वाला था टोटल, लेकिन उसने रिश्तेदारी अच्छी रखी, हदीस सुनी, जाके रिश्तेदारों को फोन किया, मिलने गया, खैरियत पूछा, बीमार हो कैसे हो, मदद किया, तो उसका रिस्क 1 लाख से 5 लाख हो गया। हाँ, अब ये रिस्क उसे मिलना था 1 लाख, लेकिन वो 5 लाख हो गया, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि अगर वो ये नहीं करता तो क्या होता, समझ रहे हैं? तो अल्लाह का इल्म परफेक्ट है, लेकिन ये तकदीर के ताल्लुक से जो बदलने के ताल्लुक से सारी चीजें हैं वो मुअल्लक है। हाँ, लोहे महफूज में जो है जो 50,000 साल पहले आसमान और जमीन के बनने के 50,000 साल पहले से है वो तकदीर फिक्स्ड है, वो बदलती नहीं।